नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। भगवान महावीर ने लेश्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, छह रंगों पर छह लेश्याओं की बात कही, किंतु यह मात्र संकेत, रंग छह ही नहीं है, इनके अवांतर भेद कितने बन जाते, मिश्रण से अनेक रंग और बनते हैं, उन सब का विश्लेषण इन छह के आधार पर किया जा सकता है कि कौन सा रंग किसको कैसे प्रभावित करता है। लेश्या में एक रंग, एक भाव और एक आभा मंडल, इन तीनों पर विचार करना। लेश्या की वर्गणा या पुद्गल हैं, उनका अपना रंग होता है और वे रंग हमारी भावधारा को प्रभावित करते हैं। लेश्या का एक अर्थ हो गया रंग, लेश्या का एक अर्थ हो गया भावधारा, दोनों का गहरा संबंध कि किस प्रकार का रंग और किस प्रकार का भाव, इनका एक बहुत गहरा संबंध, व्यापक संबंध जुड़ा हुआ है। अमुक प्रकार का रंग आया, अमुक प्रकार का भाव बन जाएगा, रंग बदला भाव बदल जाएगा। हम इस भाषा में भी कह सकते हैं कि भाव बदला रंग बदल जाएगा, भाव का परिवर्तन और रंगों का परिवर्तन बहुत परस्पर जुड़ा हुआ है और वे रंग भाव को भी प्रभावित करते हैं और तेजस शरीर की रश्मियों को भी प्रभावित करते हैं। तेजस शरीर से जो हमारी ऊर्जा निकलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, एक जैव चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, वह भी रंगों से संबंधित है। तो तेजस शरीर विद्युत का शरीर है, चाहे कह दो रंगों का शरीर है, वहां से विकिरण होता है और फिर बाहर से सूर्य की रश्मियों का योग होता है, तो एक हमारे शरीर में आभा मंडल बन जाता है, एक प्रभा का मंडल बनता है। भामंडल और आभा मंडल दो होते हैं। जो सिर के पीछे देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अवतारों को, पुरुषों को जहां प्रदर्शित किया जाता है, सिर के पीछे एक प्रभा का मंडल दिखाया जाता है जिसका नाम है भाव मंडल, और पूरे शरीर में जो होता है वह है आभा मंडल। अंग्रेजी में भी दो शब्द है इसके लिए, भाव मंडल के लिए हेलो और आभा मंडल के लिए ओरा, दोनों के लिए दो शब्द चलते हैं। तो हर मनुष्य के भाव मंडल और आभा मंडल होता है, जितना शक्तिशाली, जितना पवित्र होता है, जितनी तेजस्विता और साधना होती है, उसका भामंडल और आभा मंडल बहुत शक्तिशाली बन जाता है, और जिसका कमजोर होता है, जो बुरे विचारों में रहता है, बुरी भावनाओं में रहता है, रात दिन हिंसा आदि में रहता है, भामंडल तो शायद पूरा बनता ही नहीं, आभा मंडल भी उसका खराब, मेला मटमेला दुर्गंधमय हो जाता है। तो हमारा रंग, हमारा भाव और हमारा आभा मंडल, और उसके साथ जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य, रोग और आरोग्य का संबंध। जिस व्यक्ति का आभा मंडल जितना मलिन है, वह व्यक्ति उतना ही मानसिक भावनात्मक बीमारी से ग्रस्त रहेगा और शारीरिक व्याधियां भी भुगतेगा, तीनों प्रकार की होगी। जिस व्यक्ति का आभा मंडल बहुत पवित्र है, वह आरोग्य का वरण करेगा, तीनों स्तरों पर, शरीर मन और भावना के स्तर पर स्वस्थ रहेगा। वर्तमान में एक पद्धति विकसित हुई है आभा मंडल का अध्ययन करना और आभा मंडल के आधार पर रोगों का निदान करना, इस पद्धति का विकास हो रहा है। आभा मंडल जितना सही निर्णय प्रस्तुत करता है, शायद डायग्नोसिस के जितने उपकरण हैं वे नहीं करते, वे तो कभी कभी धोखा भी दे देते। स्वस्थ है
और बीमार बना देते, बीमार को स्वस्थ बना देते, किंतु आभा मंडल में कोई धोखा नहीं होता। और यह माना गया है कि शरीर में कोई बीमारी होने वाली है 3 महीना पहले 6 महीना पहले आभा मंडल सूचना दे सकता है कि तुम्हारे शरीर में अमुक प्रकार की बीमारी होने वाली है। उसमें पहले आ जाता है, उस स्थूल शरीर में वह प्रकट होता है इतनी अवधि के बाद। तो हम समझ सकते हैं कि आरोग्य का संबंध और रोग का संबंध आभा मंडल के साथ कितना है। और जिस व्यक्ति के 5 वर्ण यानी प्रवृत्ति के साथ 5 वर्ण जुड़े हुए हैं, उसमें प्रशस्त भी हो सकते हैं अप्रशस्त भी होते हैं। जैसे गंध के लिए बतला दिया, 2 गंध होती है, सुगंध या दुर्गंध। यदि हमारी भावधारा पवित्र है तो सुगंध पैदा हो जाए शरीर में, भावधारा पवित्र नहीं है तो दुर्गंध आने लगे। बताया गया कि तीर्थंकर का श्वास पद्म कमल जैसी सुगंध वाला होता है। कारण क्या? श्वासोब्ज गंध है। तो यह कमल की गंध कहां से आई? इन्हीं पुद्गलों में से, जो लेश्या के पुद्गल हैं, भावधारा के पुद्गल हैं, उनमें भी सुगंध पैदा हो जाती है। और यदि भावधारा अपवित्र है तो मड़ सुआड़े मुर्दे की सी गंध उसमें आ जाए, सड़ा हुआ जो कलेवर है वैसी दुर्गंध आ जाएगी। रस, यदि भावधारा पवित्र है, लेश्या पवित्र है, तो रस एकदम मीठा पका हुआ आम, पका हुआ केला, ऐसे जो रसमय होते वह मिठास आ जाएगी। और भावधारा अपवित्र है तो तिक्त कड़वापन कसेलापन उसमें आ जाएगा, वैसा रस पैदा हो जाएगा। स्पर्श, यदि हमारी भावधारा पवित्र है तो स्पर्श सुकोमल पराग जैसा, मक्खन जैसा कोमल स्पर्श होगा। और भावधारा की अपवित्रता है तो रस स्पर्श कठोर रूखा खुरदरा हो जाए। ये वर्ण गंध रस और स्पर्श कोरा रंग नहीं, वर्तमान की इस रंग चिकित्सा में, सूर्य रश्मि चिकित्सा में रंग को ही पकड़ा गया है, किंतु हम इसका विश्लेषण करें तो कोरा रंग नहीं होता, कोरा वर्ण नहीं होता। जहां लेश्या का संबंध है वहां वर्ण गंध रस और स्पर्श सबके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। रंग बदला और कहते हैं सृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल गया, बिल्कुल ठीक बात है। रंग बदला गंध बदल जाएगी, रंग बदला रस बदल जाएगा, रंग बदला और स्पर्श भी बदल जाएगा। इस सारे सिद्धांत के आधार पर हम स्वास्थ्य या आरोग्य की मीमांसा करें तो सहज निष्कर्ष होगा कि लेश्या के सिद्धांत को समझे बिना, रंगों का ज्ञान किए बिना, हम केवल दवाओं के आधार पर स्वास्थ्य को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसका दूसरा कारण एक और है, उस पर भी हम विचार करें। लेश्या के साथ हमारी भावधारा जुड़ी हुई है, या यह भी कह सकते हैं कि लेश्या का अर्थ है भावधारा, और भावधारा का मतलब लेश्या। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा हिंसा में प्रवृत्त होता है, तो मान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति में कृष्ण लेश्या के पुद्गलों का अधिक संचय हो गया, बहुत कृष्ण लेश्या की पुद्गल उसमें है, तो वह व्यक्ति नृशंस क्रूर अजितेंद्रिय हो जाएगा। ये उसके परिणाम है, ये भाव उसमें पैदा होते हैं। लेश्या को बदलो, हिंसा की वृत्ति बिल्कुल हिंसा से घृणा हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, हमें आश्चर्य होता है कभी कभी कि डाकू संत कैसे बन गया, और एक संत डाकू कैसे बन गया।
दोनों प्रकार की घटनाएं होती है कि जब लेश्या का परिवर्तन हुआ, भाव बदला किसी निमित्त को पाकर, तो रंग बदल गया, रंग बदला और हिंसा की बात भी मन से निकल गई, चोरी डकैती की बात मन से निकल गई और एकदम साधु बन गया, वाल्मीकि भी बना, अंगुली माल भी बना और अर्जुन माला का